नमस्कार, हमारा अध्याय चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने अब अगला टॉपिक, हमारा जो टॉपिक चल रहा है करंट, वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। इसके बारे में हमें आगे बड़ा नाइस बारे में, इसके उपकरण के बारे में कुछ तो आपको बता दिया था और एक वीडियो भी दिखाया था उस दिन, जिसमें आपने हमने ये देख लिया था कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला भाग इसका क्या था? फर्स्ट भाग है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर की कुंडली जिस पर क्या थी, वो पतली पतली पत्तियों से, लोहे की नरम लोहे की पत्तियों, पतली पतली पत्तियों से बना हुआ था, एक के ऊपर एक रखे और उसके ऊपर कुंडली को लपेटा हुआ था, ठीक है। तो आर्मेचर और उससे पहले हमने देखे थे क्षेत्र चुंबक घूर्णनाल के आकार के दो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक। उसके बाद सेकेंड नंबर हम देख रहे थे आर्मेचर या कुंडली, सेकेंड नंबर पर क्या है, आर्मेचर और कुंडली। थर्ड नंबर पर है सर्किल वलय, जिसको हमें आज पढ़ना है आगे, सर्किल वलय। फिर इसका चित्र बना के आपको मैं इसकी कार्यप्रणाली बता दूंगा और एक वीडियो बता देंगे हम, की वीडियो ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो सर्किल देखते हैं, देखो कुंडली के दोनों सिरों से काम होते हैं, ये जो ये कुंडली है उनके दोनों सिरों से, सर्किल वलय के बारे में आप लिखते जाए, कुंडली के दोनों सिरों से आत्मिक वलय S1 व S2 जोड़े जाते हैं। कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं, जैसे कुंडली घूमती रहेगी तो वो भी साथ साथ उसके घूमते रहेंगे। और चार नंबर पर है ब्रश, ये कार्बन या धातु के बने होते हैं, जिनका एक सिरा सर्पिल वलय को एवं दूसरा सिरा बाह्य परिपथ से जुड़ा रहता है। एक सिरा सर्पिल वलय से जुड़ जाएगा और दूसरा सिरा उसका बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये चारों, ये तो उसकी संरचना हो गई। संरचना में जो हमने एसी जनरेटर में देख रहे हैं, उसकी संरचना के जो चार भाग थे, वो चारों भाग यहां आके कंप्लीट होते हैं।
ये हो गया। अब उसी को आप एक बार वीडियो समझिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के भाग कौन कौन से भाग होंगे इसमें, इसके लिए मैं चला देता हूं उसको, अब आप देखते जाइए एक एक करके समझ जाऊंगा आपको। ये एसी जनरेटर इस तरह का है, सबसे पहले हमने देखे क्षेत्र चुंब, ये कुंडली देख लीजिए आप, आर्मेचर, आर्मेचर ए बी सी डी, आर्मेचर क्या था ए बी सी डी, ये साफ जिससे वो आर्मेचर को हम घुमाते हैं, साफ लगी हुई है इसमें, एक नेक्स्ट पॉइंट मान देंगे इसमें हम साफ, ये फील्ड मैग्नेट क्षेत्र चुंबक एन एस, दोनों इधर दोनों साइड बने हुए हैं। चलिए मैं दोबारा दिखाता हूं उसको, ये ठीक से चल नहीं रहा है, दोबारा देखते हैं, देखेंगे हम, उससे पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने चित्र बनाएंगे उससे पहले हम देखिए आप इसको दोबारा दिखाऊंगा मैं। एक और पॉइंट हम इसमें जोड़ सकते हैं, पांचवा साफ, इसके द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है, जो आर्मेचर उसको अभी घुमाना है, घुमाना भी तो है, जब तक घुमाएंगे नहीं तो वहां पर क्षेत्र में चुंबकीय के क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होगा। अब देखो मैं आपको चित्र बनाना यहां पर बता देता हूं कैसे चित्र बनाएंगे हम, परीक्षा में बनाया जाता है तो परीक्षा में चित्र किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो क्षेत्र चुंबक बना लेंगे, एन और एस, क्षेत्र चुंबक होगा दोनों। इसके बाद यहां पर बनाएंगे हम आर्मेचर, ये मैंने बनाया आर्मेचर, जो पतली पतली पत्तियां हैं उनसे बना हुआ है और इसके ऊपर एक तांबे का विद्युतरोधी तार हमने लपेटा हुआ है, कुंडली जिसको हम कहते हैं वही कुंडली भी यही रहेगी। ये हो गया इसका एक सिरा और ये हो गया इसका दूसरा सिरा, ठीक है। एक सिरा थोड़ा छोटा रखा है मैंने और दूसरे सिरे को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। यहां पर लगा देंगे हम एक सर्पी बलय जिसको ये टच करता रहेगा, और यहां लगा दूंगा मैं दूसरा सर्पी बलय जिसको इसका दूसरा सिरा टच करता रहेगा, इसको एक सिरा टच कर रहा है, दूसरे वालों दूसरा सिरा टच कर रहा है। अब लगाएंगे हम यहां पर बाह्य परिपथ, तो एक तार ऐसे यहां से हमने यह जोड़ा, ये बाह्य परिपथ के लिए और ये बाह्य परिपथ के लिए गया, यहां लगा दिया हमने लोड, मतलब जहां हमें इससे उत्पन्न होने वाली धारा का उपयोग करना है, देख ले आप इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इनके नाम देखो, ये तो क्या है, बहुत आसान चित्र है, क्षेत्र चुंबक हो गया, यहां पर साफ्ट, या फिर हम ये जो होती है ना ये, इसको भी हम साफ दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या करते हैं कि जो इंजन हमारा घूम रहा है उससे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैं बना देता हूं साफ्ट, ये है हमारा आर्मेचर, और यहां पर जो ब्रश हमने लगाने थे वो ब्रश हम लगा देते हैं, ये मैंने लगा दी दो ब्रश, ठीक है। ये है सर्पी वाले, अब इनके नाम सर्पी वाले, ये है ब्रश और ये लोड, ये लोड हो गया यहां पर, ठीक है। अब हम इनके नाम दे लेते हैं, इनका नाम हमने एन एस दिया था, हो गया, इसका नाम हम देंगे ए बी सी डी। सर्पी वाले स्प्लिट रिंग एस वन एस टू और ब्रश बी वन बी टू, तो ये आसान सा चित्र है जिसको आप यहां से बना ले, फिर आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा।
बन गया। अब देखिए वीडियो देखिए आप दोबारा से, वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये एक बार मैं यही कर देता हूं, ये जो बनाए हमने एन और एस, ये तो दोनों क्या है, क्षेत्र चुंबक हो गए, ठीक है। इसका मॉडल हमारे पर रखा हुआ है, आपकी जो प्रयोगशाला है उसमें है, ठीक है, कि ये एन और एस यहां पर ये कुंडली, ये है कुंडली जो आर्मेचर और कुंडली जिसको हम कहते हैं वो ये है, देखो पतली पतली, उससे भी बड़ा करके होगी तो बताएंगे आपको। ये यहां से इसके दो कनेक्टर आ रहे हैं और ये जो है ये स्प्लिट रिंग हमने लगा हुआ। देखिए डिटेल में देखिए, एक ही चीज देखिए अब आप, सबसे पहले एबीसीडी आर्मेचर, ये देखो पतली पतली दिख रहा है यहां, एक परत दूसरी परत तीसरी परत चौथी परत, अलग अलग परतों का इस तरह से बना हुआ है। ये तो है आर्मेचर एबीसीडी, हो गया क्लियर, दिख गया आपको आर्मेचर एबीसीडी। ये साफ्ट घुमाने के, इसको हमने आगे की तरफ दिया साफ्ट को, ये घूम रहा है इससे, इसको पकड़ के इधर उधर घुमाएंगे तो ये घूमता रहेगा। ये क्षेत्र चुंबक हो ही गए, समझ में, घूमनाल देखो इस तरह से है, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए अब यहां से स्प्लिट रिंग सल्फी वलय, ये देखो एक तार यहां पर आके जुड़ रहा है और एक आगे तक आ रहा है, ये है स्प्लिट रिंग सर्पी वलय, दोनों सर्पी वलय इस तरह से ये यहां पर घूमा हुआ, सर्पी वलय घूमते रहता है साथ में, इस चित्र में घुमाए नहीं गए। ये ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश बी वन और बी टू, देखिए ब्रश बताएंगे आपको अभी, ये देखो बी टू, जो ये सर्पी वलय है ये घूमते रहते हैं और ये ब्रश इनसे संपर्क में रहते हैं, ब्रश का एक सिरा इधर वाला ये सर्पी वाला से कनेक्टेड है और इधर दूसरा वाला सर, ये लोड के साथ तार गया, ये इधर एक तार गया जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये चल रहा है यहां पर, ये लोड है जहां हमें विद्युत धारा जो बन रही है उसको प्राप्त करना है। ये तो इसकी हुई संरचना के बारे में, अब इसका वर्किंग, तो वर्किंग एक बार इसी समझ लें आप, वर्किंग किस प्रकार से काम करता है। देखिए यहां चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस N से S की तरफ दिखा हुआ, आप दिशा वहां पर दिखाई हुई चुंबकीय क्षेत्र की, अब जब चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ है और ये कुंडली इसके अंदर घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, उस फ्लक्स से, इस फ्लक्स का इस कुंडली से गुजरने में परिवर्तन आ रहा है। जब ये कुंडली लंबवत होती है उस फ्लक्स के, तो अधिकतम मात्रा में इससे गुजर रहा है, और जब उसके समानांतर होती है तो गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है। ये देखिए घूमते रहेगी और ये देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस दिख रहा है, एक बार ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है एक दिशा में जा रही है, ये देखो इधर गई जैसे घूम के दूसरा उधर, इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा लगातार परिवर्तित होती जा रही है, इधर फिर इधर, इस प्रकार से यह काम करता है। उभरा दो तक देखो क्लियर दिख रहा है भाई, एक बार मान लो प्लस तो अगली बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से यह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन किस प्रकार से पता चलेगी हमें, यहां से देखिए ये प्लस गुजर रहा है इसमें से, जब ये गुजरेगा तो यहां पर हम फ्लेमिंग के नियम से इस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, बल की दिशा है और हम धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर ये सिद्धांत हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये घूम रहा है, ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये मैग्नेटिक फील्ड तर्जनी, अंगूठा क्या है गति की दिशा दिखा हुआ, और ये जो मध्यमा है ये क्या दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा। तो फ्लोरिंग के इस नियम से हम इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए ये विद्युत धारा अब बदल जाएगी दिशा, तुरंत बदल जाती है, वो घूमेगा दिशा उधर से बराबर है और उधर से यू परिपथ कंप्लीट, अगली बार क्या होगा
अब दिशा इधर से बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस तरह से ये इसकी क्या है, कार्य प्रणाली है, मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरह से हो रही है। ठीक है, ये देखो अब दिशा बदल गई, जैसे ही वो उसकी पोजीशन बदली कुंडली की, दिशा परिवर्तित हो गई, तो इधर से इधर बी वन से बी टू की तरफ, और इस बार बी टू से बी वन की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसकी कार्य प्रणाली है। चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं। देखिए आप कार्य प्रणाली, चित्र समझ में आ गया आपके, और वीडियो से आपने अच्छी तरह देख भी लिया है। अब इसको एक बार हमें लिखना भी होगा, क्योंकि ये हमें परीक्षा में लिखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम वहां सही सही और पूरी चीज लिखते हैं। ठीक है, तो कार्य प्रणाली, देखो कार्य प्रणाली के बारे में हम इसको लिख लेते हैं। जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है, तो कुंडली एबीसीडी से पारित जो फ्लक्स है, कुंडली एबीसीडी से पारित फ्लक्स है, उस फ्लक्स की मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। ये देखो, ये हमारे लिए किताब से इसको याद करना थोड़ा समस्या रहती है, तो मैं इसलिए इसको आपको लिख के बता रहा हूं। आप इसको जिस प्रकार से लिखते जा रहा हूं, आप उसी इस सिस्टम से इसको लिखते जाएं, और आपका दो या तीन नंबर का जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित धारा बहती है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, हमने प्रेरित चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण हमने देख ही लिया था, जब फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। आगे है, कुंडली को एक ओर से घुमाने पर, जब कुंडली को हम घुमाएंगे तो वो चुंबकीय फ्लक्स है, एक बार तो उसके लंबवत होगा, एक बार उसके समानांतर होगी कुंडली। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एवं समांतर होता रहता है, एक बार लंबवत और एक बार समांतर।
अब प्रत्येक प्रथम आधे घूर्णन में धारा भाई एक बार जब कुंडली ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र इधर से आ रहा है ठीक है तो प्रथम आधे घूर्णन में धारा एक बार दक्षिणावर्त अगली बार वामावर्त धारा दक्षिणावर्त एवं आधे घूर्णन में धारा वामावर्त दिशा में बहती है एक बार दक्षिणावर्त और एक बार वामावर्त तो इसकी कार्यप्रणाली हम कर रहे हैं अब इस कार्य अगला क्या करेंगे अगला वो देखेंगे कि कब तो धारा ब्रुष बीवन से बीटू की तरफ जा रही है कब बीवन से बीटू की तरफ जा रही है उसके बारे में हम आगे और इसको पूरा करेंगे अभी लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करते हैं आगे देखो प्रथम आधे घूर्णन में धारा दक्षिणावर्त और आधे घूर्णन में धारा वामावर्त घूम रही है इसका मतलब आधे घूर्णन में धारा कहां रहेगी जो ब्रुष बीवन है उस बीवन से बीटू की तरफ और आधे में कहां हो जाएगी बीटू से बीवन की तरफ अर्थात प्रथम आधे घूर्णन में धारा ब्रुष बीवन से बीटू की ओर एवं दूसरे आधे घूर्णन में बीटू से बीवन की ओर इसी बात को मैंने यहां लिख दिया है पहले B1 से B2 फिर B2 से B1 की तरफ इस प्रकार निरंतर इस प्रकार नियत समय बाद धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है इस दौरान धारा का
मान भी बदलता है, क्योंकि जब लंबवत और समानांतर होगा तो गुजरने वाले फ्लक्स जो उसके पृष्ठ के लंबवत जो पृष्ठ जो फ्लक्स गुजरेगा उसके मान में परिवर्तन होगा और उसके मान में परिवर्तन के कारण धारा का मान भी बदलेगा। जब धारा की दिशा बदल रही है, क्या बदल रही है? दिशा। इसका मतलब दिशा बदल रही है तो कौन सी धारा होगी? प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में ही दिशा का बदलता दिशा बदलती रहती है, दिस धारा में दिशा नहीं बदलती। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो हमें मिल गई प्रत्यावर्ती धारा, यही हमें प्राप्त करनी थी, जो हमें प्राप्त हो गई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा किस तरह की होती है। इस तरह की है, इसका मतलब इसकी कुछ आवृत्ति भी होगी। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या निश्चित होगी वो भी। तो जो हमारे भारत देश में जो प्रत्यावर्ती धारा हम उत्पन्न करते हैं और घरों में जिसको हम काम में लेते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में उस कुंडली को 50 बार घुमाया जाता है। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज HZ होती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 50 हर्ट्ज ये लिख लिया आपने, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब कुंडली को एक सेकंड में कितनी बार घुमाते हैं? 50 बार। अब देखो 50 हर्ट्ज का मतलब, अब ये जो एक तरंग है यहां से लेकर के, और जैसे मैंने यहां से नाप रहा हूं मैं इसको, इसके सुरंग से और इसके सुरंग तक, अब मुझे इसके एक इस यहां से लेकर के यहां तक जाना है, तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है तरंग की। यहां तक देखिए जाने में 0 कितनी बार हो रही है ये देखना है आपको। हमें इस ए बिंदु से और बी बिंदु पर जाना है तो हम 0 पर कितनी बार जाएंगे वो पता करना है हमें। तो यहां से मैं चला, यहां 0 है, यहां प्लस और यहां माइनस, यहां एक बार 0 आया और जब दोबारा वहां तक पहुंच रहा हूं तो कितनी बार 0 आ गया? 2 बार 0 आ गया। इसका मतलब इस प्रकार की धारा का मान जो हमारा उपकरण लगा हुआ है उस उपकरण में एक सेकंड में कितनी है, अपावृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक यहां पर एक जो तरंग है उसको कितनी बार 0 होना पड़ रहा है? एक तरंग को हम पूरा कंप्लीट करने में 2 बार 0 होना पड़ रहा है। इसका मतलब 50 हर्ट्ज में 100 बार क्या होगी वो धारा का मान? 0 होगा। इसका मतलब जो हमारा उपकरण लगा हुआ है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, एक 50 वाट का या 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलेगा और 50 बार ही क्या होगा? बंद होगा। इसका मतलब जो 0 आवृत्ति, जो धारा का मान 0 होगा वो 100 बार हो जाएगा यहां पर। इसका मतलब बंद चालू होता रहता है, जो बल्ब जल रहा है या तो बल्ब क्या होता है? बंद चालू होता रहता है और वो एक सेकंड में इतनी बार बंद चालू होता है कि हम उसका अंतर पता नहीं कर पाते कि वो कब बंद हो रहा है और कब चालू हो रहा है। हमारी आंखें उसके बंद चालू होने के समय के बारे में निर्धारण नहीं कर पाती, इसलिए हमें क्या लगता है कि वो लगातार चमक रहा है, जबकि लगातार चमकता नहीं है वो। आप देख रहे हो ना,
जीरो होती है धारा, जीरो अधिकतम, जीरो अधिकतम, जीरो, अधिकतम माइनस में, अधिकतम प्लस में, और जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, वो चलता और बंद होता रहता है। ठीक है, अब हमें मान लो धारा में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो हमने बनाया उससे हमें धारा का मान अधिक प्राप्त करना है, तो धारा का मान अधिक प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या परिवर्तन उसके अंदर कर सकते हैं या क्या क्या चीज लगा सकते हैं। तो पहली चीज है कि अधिक धारा का मान जो है बढ़ाना है हमें, तो एक तो कुंडली में हमें फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जो हमने आर्मेचर लिया है, आर्मेचर में जो कुंडली हमने लगाई है, उस कुंडली में हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, फेरों की संख्या। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। कुंडली का जो क्षेत्रफल है, कुंडली की जो चौड़ाई है, वो हमें बढ़ानी पड़ेगी जिससे अधिक फ्लक्स उससे गुजरे। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद हम उसका घूर्णन वेग बढ़ा सकते, घूर्णन वेग बढ़ाना पड़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो अगला अगर प्रश्न हमें आ जाता है कई बार, एसी जनरेटर से अधिक मात्रा में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने हेतु उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, तो अगला बिंदु है एसी जनित्र से अधिक मान की धारा प्राप्त करने हेतु फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या होगा, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि जो कुंडली है, जो आर्मेचर है, उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। एक एक पॉइंट आप लिखते जाएं। ठीक है, नंबर दो, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक हो। नंबर तीन, घूर्णन, कुंडली का घूर्णन अधिक होना चाहिए। और नंबर चार, चुंबक कैसे हो शक्तिशाली। ठीक है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। और प्रश्न ऐसे इस प्रकार से आ सकता है कि एसी जनरेटर से उत्पन्न की जाने वाली एसी की मात्रा या जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा किस किस पर निर्भर करेगी। तो पहली, कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर, दूसरा कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर, तीसरा कुंडली में घूर्णन पर निर्भर, और चौथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर। तो ये उसकी निर्भरता भी आप इसको बता सकते हैं, मान बढ़ाने के लिए और निर्भरता एक ही बात होती है। तो ये निर्भरता आप लिख ले, या उसका अधिक मान प्राप्त करने हेतु क्या क्या करना होगा। तो यहां हमारा एसी जनरेटर पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की, दिष्ट धारा जनित्र। तो मुझे तो कुछ ज्यादा काम करना नहीं है, लिखने के लिए बस मैंने तो वहां से वो हटा दिया उसको,
ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लें दिष्ट धारा जनित्र या डीसी जनरेटर। देखिए दिष्ट धारा जनित्र के में हमारी जो धारा प्राप्त होगी, देखो अभी हमने प्रत्यावर्तन धारा को मैंने ऐसे बनाया था, लेकिन मैं दिष्ट धारा को सीधा ही सीधा बनाऊंगा इस तरह से। इसका मतलब इसकी जो दिशा है वो माइनस में नहीं आ रही है, इसका मान एक ही दिशा में है। एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, तो इसके ऊपर ही है, एक्स अक्ष के ऊपर ही है, इसका मान नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो हमें इस प्रकार की धारा प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार की धारा जब जिस उपकरण से प्राप्त करेंगे उस उपकरण का नाम क्या है, दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसकी संरचना जो अभी हमने एसी जनरेटर पढ़ा है उस एसी जनरेटर के जैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर तो स्प्लिट रिंग सर्पी बल लगे हुए थे, सर्पी बल किस तरह से थे, यहां से एक तार आ रहा था और यहां एक सर्पी बल लगा हुआ था अंदर से, फिर एक तार ऐसे आ रहा था और यहां एक सर्पी बल लगा हुआ था। इसका चित्र आप खुद अपने आप घर पर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा अंदर का जो काम है बिल्कुल सेम, आर्मेचर फील्ड मैग्नेट्स जो क्षेत्र चुंबक है वो सारी चीज एक जैसी है। इनकी जगह पर ब्रश ऐसे कैसे रहे, इनकी जगह पर वहां क्या है, कम्यूटेटर लगे हुए हैं। कम्यूटेटर मतलब इस तरह की संरचना लगी हुई है जो बीच में से ब्रेक है इस तरह से, ये होते हैं कम्यूटेटर। और यहां पर ब्रश लगे हुए हैं, जैसे यहां ब्रश लगे हुए थे, ये ब्रश है बी वन और इधर लगा देता हूं मैं ब्रश बी टू, इसी प्रकार से यहां पर ब्रश लगे हुए ये ब्रश लगे हुए दोनों इस तरह से, वही बी वन और बी टू, ये ब्रश घूमते हैं और ये क्या रहते हैं एक जगह इस तरह। तो क्या होता है, वो ब्रश बी वन उठ के बी टू जगह पर आ जाएगा, जब जैसे धारा की दिशा परिवर्तित, जैसे पहले धारा की दिशा बी वन से बी टू थी और वहां क्या आ रहा था बी टू से बी वन आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा ये ब्रश ही उठ के दूसरी साइड आ जाएगा तो धारा की दिशा फिर वही हो जाएगी। तो पहली बात तो ये अंतर हो गया दोनों में, यहां पर तो क्या लगे हुए स्प्लिट रिंग सर्पी बल है और यहां पर क्या लगे हुए हैं कम्यूटेटर C1 और C2, दो अलग अलग कम्यूटेटर लगे हुए होंगे। तो ये दोनों में अंतर होगा और इस अंतर के साथ ही जो दिष्ट धारा जनित्र है, इस दिष्ट धारा जनित्र के बारे में और डिटेल स्टडी और पूरी इसकी संरचना, इसका वीडियो किस प्रकार से है, ये इसकी कार्यप्रणाली क्या है और धारा किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, वो हम सारा पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।